नुआ करी गड़ीबा भुवनेश्वर रो नयागढ़ अन्यपटे आमे आपनकु दिल्ली रो दृश्य देखौछु जेउटी केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मध्य एबे निजरा वक्तव्य रखुचंती तेबे नयागढ़ टाउन पासेंजर जदि देखिबा जेउमुळी भाबे खोर्धा रोड रे छाडी 8टा 20 रे पाखापाखी जदि देखिबा टाइमिंग 7टा 15 एवं नयागढ़ पहुँचबा 9:45 रे से समय रे मध्ये टिके परिवर्तन करा जायछि एवं एबे भुवनेश्वर रु संध्या 6:40 रे बाहरिबो 8:45 रे बाहरिबो पहुँचबो नयागढ़ रे अनेपटे सकाळ नयागढ़ रु 6:30 रे बाहरिबो भुवनेश्वर पहुँचबो 9:00 रे अरिंदम दास आ प्रतिनिधि आम सहित जुड़ा छु अरिंदम आउ किछि मुहूर्त रो अपेक्षा कहि परबा किछि समय मध्ये नुहे केंगना सेपडे मध्ये दिल्ली रे मंच प्रस्तुत एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे उद्घाटन करबा पई केंद्र रेल मंत्री मध्ये पहुंची सारी छंती मंच ऊपर विराजमान छंती अरिंदम किबोली देखु छंती ताले सेवा एक्सप्रेस एकदम ट्रेन को केबोली भाबे सजा जाय छै हम देखि पाउ छु सेवा एक्सप्रेस गड़ीबो प्रस्तुति किबोली ईस्ट कोस्ट रेलवे तरफ रु केवल ये सेवा एक्सप्रेस जे भुवनेश्वर नयागढ़ भितर गड़िया जाऊ छी ताहा ने सारा देश रे मध्ये आज पांचटी एक्सप्रेस रो मेरे परम मित्र पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी रेल राज्य मंत्री बानश्री सुरेश अगड़ी जी बहन मीनाक्षी लेखी जी सभी अलग अलग स्थानों पर उपस्थित मान्य राज्यों के मंत्री सांसद विधायक सभी गणमान्य नागरिक अलग अलग स्थान पे जो उपस्थित हुए हैं आप सब जो आज यहाँ पे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए रेल विभाग के सभी अधिकारीगण मीडिया के मेरे बंधु भाइयों और बहनों हर्षवर्धन जी अभी बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में उनका तीसरा विजिट है मेरा कुछ दिनों में इसी महीने में चौथा विजिट है इस स्टेशन के ऊपर वंदे भारत हुई 2 अक्टूबर का कार्यक्रम यहाँ से संपन्न हुआ फिर हमने एक गाड़ी सुल्तानपुर लोधी के लिए यहाँ से छोड़ी और आज तो एक साथ 9 गाड़ियाँ छोड़ने के कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई सिटी से याद आया आज डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्मदिन है डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रति ये देश सदैव कृतज्ञ रहेगा लेकिन उनके जीवन में रेलवे का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था कहते हैं कि जो ट्रेन की सीटी मैंने कोई प्लान नहीं किया कि सीटी बजे जब मैं भाषण शुरू करूं लेकिन कहते हैं कि जब रेलवे की सीटी बजती थी तो अपने आजीविका रोज का दिनमर्रा के कार्यक्रम को उसके हिसाब से टाइम करते थे कि अब सिटी बजी है तो अब उठना है अब ये करना है वो करना है और रामेश्वरम स्टेशन जो उनके घर से कुछ 3 किलोमीटर दूर था वहाँ वो रोज जाया करते थे और वहाँ पे अपने न्यूज़पेपर को कलेक्ट करते थे वहाँ पे एक ट्रेन थी मद्रास धनुषकोडी मेल जो वहाँ रुकती नहीं थी रामेश्वरम में वॉर का समय था वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी 1941 का किस्सा सुनाया जाता है तो वो मेल ट्रेन वहाँ रुकती नहीं थी लेकिन चलती हुई गाड़ी से न्यूज़पेपर का बंडल स्टेशन पे डाला जाता था जिसको लेके वो पूरे रामेश्वरम में सब घरों में न्यूज़पेपर बांटते थे और खुद पढ़ते थे जिससे उन्होंने एक प्रकार से दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारियाँ प्राप्त करनी शुरू की तब वो मात्र 10 वर्ष के थे और एक प्रकार से भारतीय रेल का जो जुड़ाव हम सबके जीवन में है वो एक ऐसा नाता है कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा इस देश में इसका कोई ना कोई नाता आज बापू जिनके 125वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं उनकी भी जो जर्नी थी फ्रॉम मोहन टू महात्मा उसमें भी रेल और रेल व्यवस्था रेल स्टेशन रेल गाड़ियों का एक बहुत तबे केंद्र रेल मंत्री पीयूष गोयल तंकर वक्तव्य रखुचंती एवं जहां कहले जे आज कलाम कर जन्म जयंती पूर्वतन राष्ट्रपति
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟ୍ରେନ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ର ସିଟି ଶୁଣି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ତତ୍ପର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଉଥିଲେ, ତା ଉପରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ। ପୁଣି ଥରେ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅରିନ୍ଦମ, ସେବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତ ରେଡି, ଲୋକମାନେ ବି ରେଡି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ରେଡି ହୋଇସାରିଛି ରାଜଶ୍ରୀ, କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ସେଇ ଔପଚାରିକତା ବାକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଯେଉଁ କେବଳ ପତାକା ଦେଖାଇବା ବାକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଟ୍ରେନ୍ ରେଡି ହୋଇ ରହିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି କହିବେ, ଆମେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରେ? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି, ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ସୁଯୋଗ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଅବଶ୍ୟ କମ୍ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ, କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି କହିରଖିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଇଏ ସକାଳ 6:40 ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ସେପଟେ 6:30 ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି 2 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚିବ ଆସି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଅରିନ୍ଦମ ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। अब इस डिमांड, एक तरफ डिमांड थी, एक तरफ हमारे पास व्यवस्थाएं थी, पर वो व्यवस्थाएं उस डिमांड को फुलफिल करने में कम पड़ रही थी। कई सारी ऐसी ट्रेन्स थी जो जाके एक स्थान पे रुकती हैं और कई घंटों तक वहां रुकती है उसकी रिटर्न जर्नी के पहले, तो एक प्रकार से वो एसेट अंडर यूटिलाइज होता था। उस एसेट की संभावना थी कि और ज़्यादा सेवा कर सके। इसी के साथ साथ कई छोटे दूर दराके के इलाकों से डिमांड आती थी कि भाई राजधानी गाड़ी, शताब्दी, गतिमान, तेजस, ये जो प्रीमियर ट्रेन्स हैं आपकी, दुरंटो, ये हमारे गांव तक आए, हमारे छोटे शहर तक आए। अब हमारी भी सीमाएं हैं कि हम कितनी दूर तक इन गाड़ियों को आगे चला सकते हैं। एंड में मेंटेनेंस फैसिलिटी नहीं होती है कई जगहों पर, इसे गाड़ी में समय होने के बावजूद आगे नहीं लेके जा सकते हैं। उसमें से ये कॉन्सेप्ट सेवा ट्रेन्स का शुरू हुआ कि कैसे हम जो लेओवर टाइम है, जो ट्रेन अपनी जर्नी करने के बाद खड़ी है, उस ट्रेन, खड़ी हुई ट्रेन का समय उपयोग करें, कैसे उसको लिंक करें, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो आती है उसके साथ लिंक ट्रेन बना के दूर दराके के इलाके तक लोगों को जोड़े, जिससे एक प्रकार से चाहे वो दिल्ली के नज़दीक शामली हो, चाहे वो महसाना हो, महसाना से वाडनगर तक हिस्सा हो, चाहे वो यशवंतपुर को आगे जोड़ने का जो आज एक ट्रेन शुरू हुई है, यशवंतपुर तुमकुर, जिससे बैंगलोर से एक प्रकार से जो जो ट्रेन बैंगलोर आ रही हैं वो तुमकुर तक लोगों को जोड़ दे, चाहे वो कोयम्बटूर से पलानी और कोयम्बटूर से पोलाची जाने वाली तमिलनाडु की ट्रेन हो, ऐसे करके आज जो 9 ट्रेनों का एक साथ शुभारंभ होने जा रहा है, ये 8 राज्यों की सेवा करेगी। 8 स्टेट्स आर कवर्ड इन दीज 9 ट्रेन्स एंड ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। नो न्यू रोलिंग स्टॉक, नो न्यू ट्रेन्स हैव बीन रिक्विजिशन फॉर दिस। तो बिना कुछ खर्चा किए, बिना एडिशनल निवेश किए, आज की व्यवस्थाओं को और दिमाग लगा के अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए आज ये 9 ट्रेनें एक साथ शुरू होंगी। आगे चल के मैंने आदेश दिया है, देश भर में जितनी ट्रेनें ऐसे खड़ी रहती हैं उन सब का इन्वेंट्री लो, उन सब की जानकारी लो और देखो कैसे ये ट्रेन्स अपने लेओवर टाइम को, शॉर्ट पीरियड को इस्तेमाल करके जनता के साथ जुड़े, जनताओं की आशाएं अपेक्षाओं को पूरा करने में इस्तेमाल हो। और इसलिए मुझे विशेष आनंद आ रहा है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए वास्तव में ये बहुत बड़ी सेवा आज आप सबके संयुक्त प्रयासों से देने जा रहे हैं हम। ये 9 ट्रेनों में आपने नोटिस किया होगा, एक ट्रेन वाडनगर से महसाना भी जाती है, एक प्रकार से एक कृतज्ञ रेलवे जिसका एक सपूत आज भारत का प्रधानमंत्री बना है,
जिन्होंने वाटनगर स्टेशन में अपना बचपन गुजारा, चाय बेची, शायद कुल्लड़ में ही बेची होगी, और उस व्यक्ति के अटक प्रयासों से जैसे देश तेज गति से प्रगति कर रहा है, गतिमान देश बनते जा रहे, तेज गति से भारत की जनता को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। मैं समझता हूं वाडनगर को मेहसाणा से जोड़ के आज रेलवे ने एक छोटा भेंट माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के शुभ अवसर पर दिया है। मैं समझता हूं ऐसे ही इस देश के हर इलाके में छोटी छोटी डिस्टेंसेस को रेलवे कनेक्ट करके एक प्रकार से रेल की सुविधा देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचे, देश के कोने कोने तक पहुंचे, ये हम सबका आगे आने वाले दिनों में साल पुरानी रेलवे जो लगभग हमारे सब 13 लाख कर्मचारियों के दिन और रात प्रयासों से हजारों ट्रेन रोज चलती हैं, उसमें साफ सफाई रखना, आप देखते होंगे आजकल स्टेशन पे अद्भुत सफाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज आपको कोई रेलवे स्टेशन पे गंदगी नहीं नजर आएगी, मुझे ये विश्वास है हमारे रेलवे के कर्मचारियों पे।